स्थानीय सिंधी कॉलोनी स्थित झूलेलाल धाम में रविवार को थैलेसीमिया मरीजों की मदद के लिए एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक व सिंधु सेवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें लगभग 51 लोगों ने रक्तदान किया और इस नेक आयोजन में अपनी आहुति दी। ज्ञात हो कि वर्तमान में थैलेसीमिया मरीजों के लिए बढ़ती रक्त की उपलब्धता की कमी को देखते हुए यह आयोजन इस कोरोना महामारी के दौरान भी किया गया, जिसमें रक्तदान करने आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा का भी भरपूर ध्यान आयोजन मंडल द्वारा दिया गया। सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। वहीं प्रत्येक रक्तदाता का टेम्परेचर मशीन से टेम्परेचर भी जांच किया जा रहा था और रक्तदान करने से पहले मास्क की उपलब्धता के साथ बीपी व अन्य दूसरी प्राथमिक चीज़ों की जांच के बाद ही रक्तदान में हिस्सा लेने की अनुमति दी जा रही थी। आयोजक समिति द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा था। इसके लिए एक एक करके रक्तदाताओं को प्रवेश दिया जा रहा था। वहीं रक्तदाताओं के लिए लगाई गई कुर्सी को भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा था, तब दूसरे रक्तदाता को बैठने दिया जा रहा था। रक्तदान पश्चात सभी रक्तदाताओं को आशीर्वाद ब्लड बैंक व सिंधु सेवा मंडल द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा था। रक्तदान करने वाले रघुनाथ मध्यानी, प्रतीक गुनानी, राम ज्ञान चंदानी, रितेश नागवानी, प्रतीक शर्मा, आदित्य जैन, लखन खुराना, मनीष लाहौरी, पीयूष पंजवानी, खुश जैन, अजय मध्यानी, राजेश लालवानी, कार्तिक साहू, रुपेश गिलहरे, गोपाल व मोहम्मद एजाज आदि रक्तदाताओं ने बताया कि हर व्यक्ति को जीते जी रक्तदान करना चाहिए। आज हमारे द्वारा डोनेट किए रक्त से किसी थैलेसीमिया ग्रसित मरीज को लाभ मिलेगा, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या होगी। साथ ही सभी ने श्री सिंधु सेवा मंडल की जमकर तारीफ इस आयोजन के लिए की। आयोजन को सफल बनाने में आशीर्वाद ब्लड बैंक के संचालक श्याम केसरवानी, डॉक्टर चंद्रेश चंद्राकर सहित श्री सिंधु सेवा मंडल के सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। कोरोना बीमारी से उपजी इस महामारी के समय में भी मरीजों की मदद के लिए आयोजित की गई रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए स्थानीय श्री सिंधु सेवा मंडल व आदर्श ब्लड बैंक की पूरी टीम की हौसला अफजाई करने हेतु प्रदेश में अग्रणीय ब्लड बैंक समूह व समाज सेवी संस्था बढ़ते कदम के सदस्य नवापारा पहुँचे। सभी ने इस पहल की जमकर तारीफ करते हुए इसे अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए अनुकरणीय बताया। श्री सिंधु सेवा मंडल के सदस्यों ने बताया कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी में रक्त की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते रक्त की उपलब्धता में भारी कमी ब्लड बैंक में देखी जा रही है, जिसको देखते हुए यहाँ एक दिवसीय आयोजन कराया गया। आयोजन समिति ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि आपकी डोनेट की गई एक एक यूनिट से किसी को नई जिंदगी मिलेगी, जिसके लिए हमारी संस्था आपकी सदैव आभारी रहेगी। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे सिंधु सेवा मंडल के सदस्य यहाँ पर उपस्थित है, उनसे आज के इस रक्तदान शिविर की संपूर्ण जानकारी लेंगे। जी बताइए, किस तरह से आप इस आयोजन को करा रहे हैं? आज हमारी संस्था सुगमा मंडल द्वारा आशीर्वाद ब्लड बैंक रायपुर के सहयोग से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों के लिए ब्लड की कमी को देखते हुए किया गया है। यहाँ हमने जो झूलेलाल धाम में व्यवस्था की है, पहले हमने हमारे आने जाने रास्ते को सैनिटाइज किया हुआ है। ऊपर हम सभी जितने भी लोग ब्लड लेने जा रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको मास्क पहनाया जा रहा है, उस बार अंदर उनका ब्लड निकाला जा रहा है। उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है, जूस है, फ्रूट है, पानी सब की व्यवस्था है हमारे यहाँ। और बाकी जैसा सहयोग हमको जनता से मिल रहा है अच्छा लग रहा है जी। किस मतलब वो हर तमाम सुविधाएं आप सभी के आपके मंडल के द्वारा की जा रही है जो जरूरत होता है एक रक्तदान शिविर के लिए। जी आपका नाम? राकेश मध्यानी जी। सिंधु सेवा मंडल और आशीर्वाद ब्लड बैंक के तत्वाधान में जो आज एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें आप रक्तदान न किए हैं जी, बताइए इस संबंध में कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है जी। किस उद्देश्य से आपने ब्लड यहाँ पर दिया है? इस उद्देश्य से दूसरों को भी लगता है ब्लड जी, या दूसरी जगह नहीं दे सकते तो समाज नहीं दे रहे तो उनके काम आ गए। आपका नाम? लखन खुराना।
जी कैसा महसूस हो रहा है आपको रक्तदान लेकर? रक्तदान लेके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। मेरे हिसाब से आप सभी को रक्तदान करना चाहिए समय समय पे, और जो सिंधु सेवा मंडल ये सब कर रहा है बहुत अच्छा कार्य है जी। आपका नाम? आदित्य जैन। डोनेटर रितेश नागवानी जी हैं जी, बताइए नागवानी जी किस तरह आपको कैसा लगा ब्लड डोनेट करके? ब्लड देना तो हर किसी को देना चाहिए जी, और हर चीज आए पहले आगे बढ़ के सबको आना चाहिए जी। सिंधु मंडल ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं जी, ऐसा आने वाले समय में बहुत करेंगे, तो मैं भी और बढ़ करके हिस्सा लूंगा जी। जी हमारे साथ सिंधु सेवा मंडल के और भी दूसरे सदस्य हैं, उनसे भी जानकारी जानना चाहेंगे जी। बताइए किस तरह से रक्तदान शिविर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है आपके? अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए जितने भी रक्तदाता आ रहे हैं सभी के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। सबसे पहले मेन गेट पर सबको सैनिटाइज किया जा रहा है, जितने भी लोग अंदर आ रहे हैं वगैरह पूरे सैनिटाइज होने के बाद ही अंदर आ रहे हैं। उसके बाद उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, फिर उन्हें हैंड सैनिटाइज फिर से किया जा रहा है, फिर सारे एंट्रियाँ करने के बाद उनका HB चेक होता है, अगर किसी की उम्र ज़्यादा तो उनका BP वगैरह चेक होता है। ये सारे टेस्ट क्लियर होने के बाद अगर सब चीज़ें ओके हैं तो उनका ब्लड लिया जाता है। इन सब कार्यों को करने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है, तो यह अंदाज है कि दिन भर में हम लगभग 70-80 यूनिट इस तरह की प्रक्रियाओं से ले पाएंगे। इससे पहले भी आपके सेवा मंडल के द्वारा प्रयास ऐसा काम हुआ है? ये हमारे संस्था का दूसरा प्रयास है। इसके पहले हमने 9 फरवरी को माघी पुन्नी मेला के शुभारंभ के अवसर पर एक कैंप आयोजित किया था, उस कैंप में हमने लगभग 80 यूनिट डोनेट हुए थे हमारे संस्था के द्वारा। ये दूसरा प्रयास है हमारा जी। तो रायपुर की अग्रणी ब्लड बैंक है आशीर्वाद ब्लड बैंक जी, जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए खुद भी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करती है जी। हम उनके सहयोग से यहाँ पर जितना भी आज ब्लड डोनेट होगा जी उसमें से आधा ब्लड थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए फ्री में जाएगा, जिसका कोई चार्ज उनसे नहीं लिया जाता जी। आपका नाम? मेरा नाम कमल लागवानी है, सिंधु सेवा मंडल से।